हम फरमांदे ने अय्युहन्नवास कुलो लवा इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून। ए दुनिया कायनात दे लोगो, ए मेरे रिश्तेदारो, कुरैशियो ते मेरे गैर रिश्तेदारो, मेरे अपने ते मेरे बेगाने हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। जितने अंबिया आए, हर नबी दी पहली दावत अल्लाह मलिकुल अल्लाम दी तौहीद दी दावत है। लेकिन मैं अल्लाह मलिकुल अल्लाम दा करोड़ हां शुक्रिया अदा करना वा। बड़िया बड़िया जमाता मुल्के पाकिस्तान अंदर ही नहीं, एशिया दे अंदर मौजूद है। उन्होंने अल्लाह दे नाल गैरां नूं शरीक ठहराया, तौहीद ते हमला कीता, तौहीद ते मिलावटां कीतियां। लेकिन अहलुल हदीस इतने गैरतमंद ने जिन्हां ने तौहीद नूं बयान कीता खालिसतन अल्लाह मलिकुल अल्लाम दी वाहदानी बयान करने वाले, परमला बयान करने वाले, अस्टेजा ते बयान करने वाले, चौरस्तियां ते बयान करने वाले, शहर अंदर बयान करने वाले, देहात अंदर बयान करने वाले, और गलियां बाजारा अंदर बयान करने वाले ते साड़ी दावत की है। वा इलाहकुम इलाहुम वाहिद, वा इलाहकुम इलाहुम वाहिद, और दुनिया कायनात दे लोगो, रब एक ही है, मुश्किल कुशा कायनात दा निजाम चलाने वाला इको ही है, मेरा खालिक है। किते अल्लाह पाक दी जात ऐलान फरमा रही है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम। मैं कुरान पढ़ना चाहना, रूहानियत पैदा होए, तवज्जो कर दे जाया जे। ए फकीर लंबा सफर करके आया तुहाडे वास्ते, गए ए दुआवां करेगा, मुहब्बत करे आजे, तवज्जो करे आजे। कैसी अजीम अल्लाह दी जात है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम। कैसी अजीम मालिक कायनात दी जात है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कैसी अजीम खाली को मालिक दी जात है, ओ वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबी वश्शहादा ओ वर्रहमानुर रहीम। ओ वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानअल्लाह। एक करी तुसी भी पढ़ लो, रब दे कुरान दे अल्फाज ने अल्लाह तू पा के किड्डा सोहना कलीमा, अल्लाह तू पा के और कदी दिल लगा के कलीमा पढ़। रब तेनू गुनाहों तो पाक करन ते खा दे, और दिल लगा के पढ़ते ना। फरमाया सुबहान अल्लाह अम्मा युश्रिकून, वल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विरुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। रब दी तौहीद नूं बयान करन वाले अहलुल हदीस कदी गैर अहले हदीस कोल इंज तौहीद नहीं सुनोगे। ए रब ने शरफ बख्शे अहलुल हदीस उलमा नूं। मैं तद पूरे मुल्क अंदर गली गली कोजा कोजा रब दी तौहीद दे नगमे पिया पढ़ना वा। दम दम मेरा खुदाए, हर दम मेरा
खुदाए, दम दम मेरा खुदाए, हर दम मेरा खुदाए, होके खुदा द बंदा मंगा मैं क्यों किसे तो, होके खुदा द बंदा मंगा मैं क्यों किसे तो, हर वेले हरिदा करिदा, हर वेले हरिदा करिदा, हर कम मेरा खुदाए, दम दम मेरा खुदाए, हर दम मेरा खुदाए। इन्ना नहीं बोलना है पहुंचे ने, ये बर्फ दे गोले बने बैठे ने, और जिन्ना तो ईद ते नहीं बोलना ते किदो बोलना है, रब दी तो ईद मैं बयान कर रहे हैं मेरे वीरो, ऐ मिल के नगमा पढ़ो ना, दम दम मेरा खुदाए, हर दम मेरा खुदाए। बड़ा प्यारा जुमला है, तुसी आप ही सुबहान अल्लाह पढ़ लेनी है, जदो इस्माइल अपनी रगड़ी जमी ते एड़ी, जदो इस्माइल अपनी रगड़ी जमी ते एड़ी, पत्थरा तो जारी करदा, पत्थरा तो जारी करदा, जम जम मेरा खुदाए, दम दम मेरा खुदाए, हर दम मेरा खुदाए। रब दी तौहीद नू बयान करन वाले अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल मेरे पैगंबर अली सलाम दी अव्वलीन दावत अल्लाह दी तौहीद रब दा पहचान है। मेरे पाक नबी अली सलाम ने तदा दी से पाक अंदर फरमाया सहीहुल मुस्लिम दी, आका फरमांदे ने असअदुन नासु बि शफाअति यौमल कियामा मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसा मिन कलबी व नफ्सी। ए ईमान वालो, मेरी उम्मत दे लोगो, जेड़ा बंदा कयामत वाले दिन मेरी शफात तो हर उस मेरे उम्मती नू फायदा होएगा, मेरी शफात तो फैज याबर मेरा उम्मती हो जाएगा। जिन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़े आई नहीं, सिर्फ रटे आई नहीं, फरमाया खालिसा मिन कलबे व नफ्से, जिन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया भी है, इन्हां दे तकाज़ियां नू समझिया भी है, ते तौहीद ते अपनी जिंदगी बसर कीती भी है, रब दी तोई ते जिंदगी गुजारन वाला। बल्कि हदीसे पाक अंदर मौजूद है, मेरे तोड़े पाक नबी अली सलाम ने मुस्लिम अंदर फरमाया लिकुल्ली नबीन दावत मुस्तजाबतुन फतअज्जल कुल्लु नबीन दावत। आका फरमांदे ने अल्लाह पाक ने हर नबी नु दुआ दा इख्तियार दिता है, दुनिया अंदर मंगे रब दस्ती कबूल कर लवेगा, हर नबी ने दुनिया अंदर दुआ नु मंग लिया, लेकिन मैं आमीना अली सलाम ने और दुआ नू महफूज कर लिया। पैगंबरे कायनात दे गुलामो, मेरा तोड़ा नबी उम्मत दा कितना खैर खाए, कितना एहसास आमीना दे अली सलाम नो। आका फरमांदे ने ओ दुआ मैं महफूज कर लईए, अपने अहलो अयाल वास्ते नहीं मंगी, अहले बैत वास्ते नहीं मंगी, अपने यारां ते संगियां वास्ते नहीं मंगी, कयामत दा दिन होएगा ओ दुआ मैं अपनी उम्मत दी बख्श वास्ते करांगा। और अगली बात बख्शिश वास्ते करांगा, इत्थे कई मौलवी धोखा देंदे ने, डंडियां मारदे ने, और मैं अज दा जुमा ही पढ़ाया है कि फहमे दीन फहमे इस्लाम क्यों जरूरी है। गल इथों टोरी सी लाहौर इछरे दे अंदर, ऐ तीन चार दिन पहले जो औरत दा वाकया रूनमा होया, ओ अरबी खताती लिखी है, ओ लफज लिखिया सी हलवा, वो हलवा नहीं, कई हलवा पढ़ी जाते हैं, खरे सानू हलवे ही नहीं भुलते, लफज है हलवा। वो एक अरब अमारात के अंदर वो कपड़े का ब्रांड है, चूंकि अरबियां की बोली अरबी है, तो उन्हें अरबी च लिखना है ना, उन्हें पंजाबी घटा लिखना है, उन्हें जबान ही अरबी है, वह हलवा लिखे है। तो साढ़े लुंडे आशक टुटे आशक
वह हलवा नू कुरान समझ बैठे तो गुस्ताखी के फतवे ते नारे ओते मैं उस पुलिस अफसर जो ASP सी पुलिस अफसर उन्होंने भी मैं मुबारकबाद देना बड़ी हिकमत अमली नाल उस औरत नू बचाया वरना असी ऐसे हाँ सानू हजे तक कुरान का पहचान नहीं कुरान की पहचान ही कोई नहीं कि अरबी नू कुरान हुण जो अरबी ने वह साडा पाकिस्तानी सी ना कोई टुर गया और दुबई के अंदर वो अरब अमारात के अंदर वह लड़ते मेरे तुहाडे तरह नहीं हथों बखी पै गया तो खूनो खून नहीं उन्हां दी लफजी लड़ाई होंदी है तो वह लड़ रहे सन एक दूजे नू मंदा बोल रहे सन ये पाकिस्तानी आके आंदा मैं कुर्बान जावां अरबियां तो ये लड़ते भी अल्लाह का कुरान पढ़ी जाते हैं इन्ना कु तो साडा इलमी लैवल है कुरान तो इतने दूर कि हलवा तो कुरान के फर्क का पता नहीं तो पुछ लो ना मेरे तो वड्डा आशिक कोई जमया ही नहीं तो कुरान का एक लफज नहीं आता उतों वेख के और मेरे भाई फहमे दीन जरूरी है और ये मौलवी क्यों दीन ते डाका मारते हैं अपन मन पसंद तफसीर करते हैं वो भाई साडा भी कसूर है साढ़े को दीन का फहम ही कोई नहीं जो असी दीन ते सर्च करिए दीन नू कुरान नू समझ के पढ़ांगे तर्जमे नाल पढ़ांगे हदीस नू पढ़ांगे फिर मौलवी डंडे नहीं मारेगा और उलामा सून भी पता है कि सुनने वाले भी उवें दे ते सुनान वाले भी उवें दे अगर उलामा अहले हदीस तैयारी नाल आंदे ने इस वजह तो आने साडे अवामुन नास गयूर ने मुताला रखते ने और मेरे भाईओ दीन का फहम है इत्थे मौलवियां ने डाका मारे है ऐ जी एवें आले हदीस कहते हैं कि रब की तौहीद रब की तौहीद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं सिफारिश करांगा कयामत वाले दिन तो अल्लाह मेरे उम्मतियां नू माफ़ कर देगा अहलम वसहलम मरहबा जमात दे महबूब खतीब जमात दे अजीम खतीब बुलबुले कुरान मुबल्लिगे इस्लाम खतीबे पाकिस्तान हजरत मौलाना मुहम्मद इसहाक उकाड़वी हफीज़हुल्लाह दरवेश लंबा सफ़र करके आया है इंशाल्लाह इन्हां दा बयान सुनना है तो मुहब्बत भी इन्हां नाल करनी है इन्होंने दीने इस्लाम ते अपनी जिंदगी वकफ की थी है अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र अंदर बरकत फरमाए इन्हां नू सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए ताकि मुल्क अंदर अल्लाह का कुरान सुनांदे रहन ये अपनी मिसाल आपने अल्लाह के फज़ल रहमत दे नाल तो इत्थे मौलवी ना डंडी मारदे ने है जी नबी पाक सल्लम ने सिफारिश करनी है तो अल्लाह ने उम्मते मुस्तफा नू माफ़ कर देना है मौलवी जी जब तक अहले हदीस ने डंडी नहीं मार सकते पूरी हदीस पढ़ो पूरी हदीस क्या है इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सिफारिश करांगा मैं वो दुआ करांगा अल्लाह मेरे उन्हें उम्मतियां नू माफ करेगा ओ मेरी दुआ तो हर उस मेरे उम्मती नू फायदा होएगा ए हदीस दे अलगे अल्फाज मम्मा तमिन उम्मती ला युशरिक बिल्लाहि शैया आका फरमांदे ने मेरी दुआ तो हर उस मेरे उम्मती नू फायदा होएगा जेड़ा इस हालत अंदर फौत होया उन्हें रब नाल शिरक नहीं सी कीता ए तौहीद ते इनू मौत आई है ये मवाहशी मुशरक बंदे दे अक अंदर मेरा पैगंबर सिफारिश भी नहीं करेगा रब मुशरक की सिफारिश कबूल भी नहीं करेगा और मेरे भाईओ समझो अल्लाह की तौहीद नो पैगंबर कायनात की रिसालत नो मेरे पाक नबी अली सलाम ने यह दावत दी है बल्कि हदीस अबू दाऊद के अंदर सही सनद के नाल अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अनु बयान फरमांदे ने इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद जरा मिलके पढ़ो दुरूद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना दे लाल अली सलाम दी मैं दावत पेश कर रहा वा उस अजीम पैगंबर दा मैं मिशन पेश कर रहा वा उस अजीम पैगंबर दी मैं तबलीग पेश कर रहा वा जो तबलीग उलमा अहले हदीस पूरी दुनिया के अंदर पैगंबर अली सलातो वसलाम दी दावत नू बयान कर रहे ने कई कलम नाल कई जबान नाल बयान कर रहे ने अल्लाह दे फज़ल और रहमत दे नाल ओ ऐसे अजीम पैगंबर सुबहान अल्लाह ओ मेरे वीरो जिस अजीम पैगंबर दे बारे मैं गल करना चाहना वा विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने हर वर के ते उस दियां बातां लिखियां ने
विच कुरआन नबी दियां नातां लिखियां ने हर वर के ते उस दियां बातां लिखियां ने गोया के अलहमद तुले वन आसिताई गोया के अलहमद तुले वन आसिताई यार दिया रब खूब सिफाता लिखिया ने हर वर के ते उस दिया बाता लिखिया ने जिन्ना जुल्म कमाया पाक मुहम्मद ते जिन्ना जुल्म कमाया पाक मुहम्मद ते ओ नदियां भी रब खूब उकाता लिखिया ने हर वर के ते उस दिया बातां लिखिया ने विच कुरआन नबी दिया नाता लिखिया ने हर वर के ते उस दिया बातां लिखिया ने पंद्रवा पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो पंद्रवा पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो सारिया सैरां ते मुलाकातां लिखिया ने सारिया सैरां ते मुलाकातां लिखिया ने हर वर के ते उस दियां बातां लिखिया ने उस अजीम नबी अली सलाम दी मैं हदीस पढ़ना चाहना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने हदीस दे रावी आका फरमांदे ने सब तो बदतरीन मेरे उम्मतियां दे विचो ओ लोग बदतरीन ने जिन्ना ते कयामत बरपा होएगी ओ केड़े बदतरीन लोग ने आका अली सलाम ने फरमाया मैं यत्तखिदुल कबूर मसाजिदा ऐसे ओ बदतरीन लोग जिन्ना ने कबरां नू सजदा गाह बना लिया जेड़े कबरां ते झुकण वाले मिजारां ते झुकण वाले ओ मेरे वीरो कौन है जो दावत दे रहे है और लोगो खराफात तो बच जाओ ए खैरुल्ला दे मजारां तो हट के रब दे दर ते आ जा रब दे घर अंदर आ जा दर दर दा पुजारी बनेगा और माल भी तबाह कर लवेगा ईमान भी तबाह कर लवेगा मेरे आका अली सलाम ने फरमाया बदतरीन बल्कि बुखारी पाक दे अंदर रवायत मेरे पाक नबी अली सलाम हबशे अंदर गए आप दी अजवाज भी दो बीवियां उम्मातुल मोमिनीन भी गईया हबशे दे अंदर गिरजे कर दे अंदर लोग वेखे ईसाई अपने दरवेशां दी तस्वीरां लगाईया ते झुक रहे ने अम्मा जी नबी पाक अली सलाम दीयां बीवियां सवाल कीता महबूब सोणिया तुहाडी ते अजमत बहुत ज्यादा है तुहाडी ते शान बहुत ज्यादा है बिल औला तुहाडी तजीम करनी चाहीदी है मेरे तुहाडे मुस्तफा अली सलाम ने अकीदा दिता है जेड़ा अकीदा अल्लाह दे फज़ल और रहमत दे नाल उलमा अहले हदीस बयान कर रहे ने आका फरमांदे ने मेरी उम्मत दे लोगो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वी झुक के नहीं मिलना बल्कि हदीस अंदर इत्थों तक मौजूद है ऐ मेरे सहाबा अगर तुसी मैनू आंदे हो या वेखो ते मेरी तजीम अंदर तुसा खड़े भी नहीं होना मेरे पैगंबर दे शिरक दे बारीक तो बारीक दरवाजे नूं भी बंद कीता है बारीक तो बारीक सुराख नूं भी बंद कीता है और आका अली सलाम ने हदीस अंदर फरमाया पेशानी झुकाने वाले मेरे तुहाडे मुस्तफा अली सलाम ने बुखारी पाक अंदर फरमाया कयामत का दिन होएगा अल्लाह पाक दे नजदीक सब तो ज्यादा बदतरीन ओ लोग होणगे सब तो ज्यादा शरीर किस्म दे ओ लोग होणगे जेड़े रब दा दर छड़ के गैरां दे दर ते झुकण वाले गैरां ते
अपनिया उम्मीदा रखने वाले। और मेरे वीरो आप ही गौर कर लो, खैरां वाल दावत कौन दे रहे है, हीर रांझे वाल कौन बना वाला, ससी पुनो वाल कौन बना वाला, कुरान हदीस नो छड़ के खैरां दी दावत कौन देने वाला है। अहले हदीस से दावत दे देंदे ने दुनिया कायनात दे लोग, साड़ी दावत अगर सुननी है, साड़ी दावत कुरान ते हदीस वाली दावत है। असी दावत दे रहे हैं मेरे वीरो, आओ अल्लाह दे कुरान वाल, आओ पैगंबर ली सलाम दे फरमान वाल। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूली। नबी पाक अली सलाम ने हज्जतुल विदा दे मौका दे आप अली सलाम ने अपने यारां नाल गल्लां कीतियां ने। ए बुलंद पहाड़ी ते नबी पाक अली सलाम अपनी सवारी ते ने सहाबा नूं जमा कर लिया, ओ मेरे सहाबा मेरे कोलो दीन दे मनासक सिख लो, मेरे कोल मसाइल सिख लो, शायद के मैं आमीना दलाल अली सलाम अगले साल मेरी तुहाडी मुलाकात होए या ना होए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर ने उस मौका ते फरमाया, मैं दो चीज़ा छोड़ के जा रहा वा, एक अल्लाह दा कुरान है, दूसरा पैगंबर दा सोना फरमान है। कुरान भी हरफे आखिर, हदीस भी हरफे आखिर, कुरान भी मनज़ल मिन अल्लाह, हदीस भी मनज़ल मिन अल्लाह, कुरान भी गलती तो पाक, पैगंबर दा सोना फरमान भी गलती तो पाक। मैं नहीं कह रहा रब दा कुरान है, फरमाया वन नजमी इज़ा हवा, वन नजमी इज़ा हवा, मा ज़ल्ल साहिब कम व मा गवा, व मा यन्तिकु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वहयू यूहा। मेरे पैगंबर ली सलाम बोल दे नहीं, रब दी तरफ वही ते पैगाम ना आ जाए। मेरे पैगंबर ने पैगाम दिता, दो चीज़ा नु मजबूती नाल पकड़ लो। और वीरो मलके कलाम दा रहन वालो, इरदा गिरत तो आन वाले ओ सयाल कोटियो, मैं तुहाडे कोलो सवाल करना चाहना दुनिया कायनात दे अंदर। और मेरे वीरो सवाल तुहाडे कोले, ए रब दी जमीन दे उपर ओ केड़ी जमात है जो खालिसतन कुरान ते हदीस नु बयान करने वाली, कुरान ते हदीस ते अमल करने वाली है। और अगर जमात नजर आएगी, अहलुल हदीस दी जमात नजर आएगी, साडी दावत साडा पैगाम है वे, और लोगो आजो जमा हो जाओ, रब दे कुरान वल आजो, मुहम्मद दे सोने फरमान वल आजो। आओ अल्लाह दे कुरान वल, आओ पैगंबर ली सलाम दे फरमान वल। असी पैगंबर ली सलाम दी दावत मिन व अन लोगों तक पहुँचाने वाले हाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तद ते मैं दावत दे रहा वा, और जिंदे हथ कुरान हदीस होवे, उंदी किस्मत दी की रीस होवे, और लैला ते मजनों नू की समझे, और ससियां ते हीरां नू की जाने। और जिंदे हाथ मुस्लिम बुखारी उंदे कोल ते दौलत सारी है, और जिंदे हाथ मुस्लिम बुखारी है उंदे कोल ते दौलत सारी है, ओ कनज कदूरी नू की समझे, ओ कौलां के आसान की जाने, ते तौहीद ते कायम जान जिंदी, तौहीद ते कायम जान जिंदी, किसे अगे नई नीवी आन जिंदी, और तेरे खंजरां नू ओ की समझे, और तेरी छुरियां जंजीरां नू की जाने, ते जिंदे हाथ कुरान मजीद होवे, ते हदीस दीवी ताईद होवे, समसाम मैदान दा मालिक ओ, समसाम मैदान दा मालिक ओ, ओ तेरे रस्मां ते रीतां नू की जाने।
भाइयो असी ते दावत दे रहे हैं, रब दे कुरान दी दावत दे रहे हैं, पैगंबर ली सलाम दे सोने फरमान दी दावत दे रहे हैं। मेरे पैगंबर ली सलाम ने तौहीद दी दावत दी अपने अनु बेगाने अनु और खाली सतन पैगंबर ली सलाम दे मिशन जारी रखने वाले अहलुल हदीस जो दावत अज तो 1450 साल कबल मेरे तड़े मुस्तफा ली सलाम दी ओ कोई दावत अहलुल हदीस दी जो पैगाम अज तो 1450 साल कबल आमीना दे लाल दा ओही पैगाम अज अहलुल हदीस दे रहे है। और मेरे वीरो आजो रब दे कुरान वाल समझो अल्लाह दी तौहीद नो मुश्किल कुशार रब्बे हाजत रवा रब्बे कायनात दा निजाम चलाने वाला रब्बे अगर कोई मुश्किल अंदर मुबतला हो जाए मुश्किलात तो निकालन वाला बोलो कौन है, मिलके मुश्किलात तो बचान वाला कौन है। चुको हाँ शहादत दी उंगली जिंदी उंगली मौजूद है रब दी तौहीद दी गवाही दे कायनात दा निजाम चलान वाला कौन है, सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह औलादा देने वाला कौन है, नफे नुकसान दा मालिक कौन है, सिर्फ अल्लाह। अंबिया ने भी मुश्किल वक्त अंदर रब नो पुकारे है। चलो मैं मिसाल दे देवा, हजरत आदम अली सलाम अम्मा जी हव्वा अलैहिस सलाम एक कायनात दा बाप है दूजी कायनात दी माँ है, मुश्किल दे अंदर आ गए जन्नत तो निकाले गए दुनिया दे अंदर आ गए, एहसास होया गलती हो गई, एहसास होया साढ़े को गलती हो गई है, ते दोना मियां बीवी ने मुश्किलात दे अंदर के जात नु पुकारे है। रब दे कुरान ने दुआ बयान फरमाई है, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह पाक दी जात नु पुकारे है, अल्लाह सी दोनों मियां बीवी अपनी जान ते जुलम कर बैठे, अल्लाह अगर तो रहम नहीं करेगा सानू माफ नहीं करेगा, असी घाटा पाने वाले भी चो जावांगे। कुरान दे मकाम तो पता की चले है, बाबा जी आदम दा मुश्किल कुशा कौन है, अहलुल हदीस दा मुश्किल कुशा कौन है, अल्लाह ही अल्लाह सिर्फ अल्लाह जो हजरत आदम अली सलाम दा रब ओ ही साडा रब है। मैं गल करना आगे आ जाऊना, हजरत इब्राहिम अली सलाम ने मैं शार्ट कट बयान कर रहे हैं, शार्ट कट मैं इतिशार नाल बयान करा। ए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ए अजमैश आ गई है, अपने भी दुश्मन बेगाने भी दुश्मन ए नार दे अंदर डाले आ गए, अग दे अंदर डाले आ गया, उस दौर दे अंदर इस तो बड़ी कोई अग का इंतजाम नहीं होया, चीखा का इंतजाम नहीं होया, बड़ी अग बाली गई है। एक झूले अंदर बैठा के दे हजरत इब्राहिम अली सलाम नो उस अग अंदर फेंकया जा रहा है, फेंके जान दियां तैयारियां कीतियां जा रही ने। मुफस्सिरीन लिखते ने हवा वाला फरिश्ते आ जाते ने, अल्लाह दे नबी आर्डर करो ना ए सारी अग असी काफरां ते बहा दईए, इन्हां नू जला के राख कर दईए। वाओ नबी ओ तुहाडा अकीदा कितना मजबूत है। हजरत इब्राहिम अली सलाम फरमांदे ने मेरियां अर्जां तुहाडे अगे नहीं, मेरियां अर्जां रब अगे आ, मैं मुश्किलात दे अंदर अपने रब नू पुकारना चाहना। बारिश वाले फरिश्ते आए, फरमाया नहीं नहीं तुहाडी मदद की लोड़ नहीं, मेरी पुकार रब अगे आ। बिल आखिर अग अंदर फेंके गए ने, हजरत इब्राहिम अली सलाम ने मुश्किलात दे अंदर पुकारे ते किसनो, हसबी अल्लाह व निअमल वकील। तुहाडा प्रोग्राम है एल हदीस कॉन्फ्रेंस ते बैठे एंजो अल्लाह माफ करे कुछ समझ नहीं लगती मैंने, तो मलक साहब खरे कितने ने, ये तो बड़ी एक्टिव होके प्रोग्राम सुनने वाला है, तो मैं तो परेशान हाँ तुम अगे की करोगे। हजरत शेख उकाड़वी साहब का बयान, ये हजरत उकाड़वी साहब का बयान तो बुढ़िया भी जवान कर देता है, तो की करे मेरे शेख, तो जरा एक्टिव हो जाओ। हजरत इब्राहिम अली सलातो सलाम ने मुश्किल वक्त अंदर पुकारे है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। पैगाम दिता है
और लोगो मैनो अल्लाह दी जाती काफी है, ओही मेरा मददगार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तियां नो भी नहीं पुकारिया, रब नो पुकारिया। मुश्किल वक्त दे अंदर अहले हदीस दी गर्दन उतर सकती है, मुश्किल वक्त अंदर अहले हदीस भी गैर नो नहीं पुकारदा, बाबियां नो नहीं पुकारदा, पीरां फकीरां नो नहीं पुकारदा, बल्कि रब नो ही पुकारदा। मुश्किलात दे अंदरों निकालन वाली अल्लाह दी जात है। अम्मा युजीबुल मुस्तर इदा दान व यक्षिबु सु व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज आइलाहुम अल्लाह। रब नो पुकारे हजरत इब्राहिम अली सलाम ने, मेरा मौला हाजर नाजर ते रखन मारन वाला, फिर मैं क्यों कर खैरा अगे करा बयान हवाला। लोगो मेरे पैगंबर ली सलाम दी दावत है, रब दी पहचान ते अल्लाह दी तोई दी। लोगो आ जाओ रब्बुल आलमीन दी तोई दी वाल, अल्लाह दी बंदगी वाल आ जाओ। आगे आ जाओ ना जनाबे यकूब अली सलातो व सलाम ने, बेटा यूसुफ अली सलाम परावा ने हसद अंदर आके ते बाप तो जुदा कर दिता है, कुवे अंदर फेंक दिता है। मलके कलाम वाले से हल कोटिया है, ते तू जान ही ना मापिया नू औलादा नाल किन्ना प्यार हुंदा है। ओ औलादा वाले ओ औलादा दे प्यार वाले ओ, अल्लाह पाक ने मां बाप वाला रिश्ता ही बड़ा आला बनाया है। वरना पूछो ए रब्बानी गुनेगार तो, ऐ अजे 13-14 दिन ही गुजरे ने, मेरी अम्मा फौत हो गई दागे मुबारक दे गई। अल्लाह दी कसम अजे भी ओ जुदाइयां ते तन्हाइयां सतांदियां ने, जिस मेरी अम्मा ने बड़ी मुश्किलात दे अंदर मैं गुनेगार नू पढ़ाया, मैं गुनेगार नाल प्यार कीता, आज मेरी अम्मा नजर नहीं आ रही, बड़ा लाड़ ते प्यार करने वाली। मैं प्रोग्राम जाना ते अम्मा को इजाजत लेनिया, अम्मा जान दुआवां ही देंदियां रहिंदियां ने, पुत्र खैरी सलामती जा ते वापस आ, अज दुआवां वाला दरवाजा ही बंद हो गया है। अगर मापे हयात ने नौजवानो अपने माँ बाप की कदर कर लो। हजरत यकूब अली सलातो व सलाम यूसुफ अली सलाम की जुदाई अंदर आंसू बहा रहे ने, हत्ता के अखां ते सफेदी आ जांदी है, ऐ अखां दी बनाई कमजोर हो गई है, बड़ी परेशानी आई है, बड़ी परेशानी ते गम अंदर मुब्तला ने। और वीरो ए ते जान दे ना, अगर किसी का बच्चा अल्लाह ना करे तुहाडे सियालकोट मलके कलां दे अंदर गुम हो जाए। अल्लाह दी कसम ओ मापे पल 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 ओ मापे अपने गुमशुदा बच्चे नू याद करदे ने, हाए अल्लाह मेरा बेटा पता नहीं किस हालत अंदर होएगा, अल्लाह पता नहीं मेरे बेटे ने खादा होएगा या पीता होएगा। और गुम शुदा बच्चा पल पल याद आंदा है, अंबिया नू भी औलाद नाल प्यार है। हजरत यकूब अली सलाम अपने बेटे यूसुफ अली सलाम दी जुदाई अंदर आंसू बहा रहे ने, किन्नी परेशानी ते कितना गम आया है। इस परेशानी ते गम अंदर वाह यकूब अली सलाम ने पुकारे ते रब नू पुकारे है, फरमांदे ने इन्नमा अश्को बसी वा हुज़नी इलल्लाह। अल्लाह मेरे गम मेरिया मुसीबतां, अल्लाह मेरे दुखड़े गैरा अगे नहीं बल्कि अल्लाह तेरे अगे आ। अल्लाह मैं तेनू ही पुकारना वा, अल्लाह हो अकबर कबीरा। चलो मैं मुख्तसर कराना, अहले बैत दा चमकदा सितारा जनाबे हुसैन रजी अल्लाह ताला अनो, जन्नती नौजवाना दे सरदार हुसैन रजी अल्लाह ताला अनो, मेरे पैगंबर दे नवाजे सैयदा फातिमा तु जहरा दे लाल, हजरत अली शेरे खुदा दे बेटे, जन्नती नौजवाना दे सरदार ने, जिदा दी अजमत अंदर शक कोई नहीं, जिन्ना दे मकाम अंदर शक कोई नहीं। करबला दे अंदर इन्हां कूफियां ने झूठे खत लिख के बुलाया गया है, अपनी आल औलाद लैके करबला अंदर पहुंच गए ने। मैं शॉर्टकट बयान करना चाहना, बिल आखरे जान दे दुश्मन बन गए वाह हुसैन रजी अल्लाह ताला ने। ओ हुसैनियों
कदी हुसैन दा अकीदा भी पढ़ के वेखो, जनाबे हुसैन दी खशियत भी पढ़ के वेखो, जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दी तकवा ते परहेज़गारी भी पढ़ के देखो। मुश्किलात अंदर आ गए, घेरे अंदर आ गए ते जान दे दुश्मन बन गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने करबला दे अंदर, हालांकि जनाबे हुसैन नु पता है करीबी नजफ अंदर मेरे बाबा अली पाक दी कबर है, और हजरत हुसैन नु ये भी पता है मैं आम हस्ती नहीं, मेरा नाना कायनात दा सरदार नबी है, मेरी अम्मा जन्नती औरतां दी सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मुश्किल आई है, मुश्किल वक्त दे अंदर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने पुकारे ते के जात नु पुकारे है, उद ओ कया इलाही ला इलाहा सिवा कया इलाही। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने करबला दे मैदान दे अंदर रब दी तौहीद दा बुलंद आवाज़ा लगाया, उद ओ कया इलाही, ऐ अल्लाह नबी पाक दा नवाजा, ऐ अल्लाह ली शेरे खुदा दा बेटा, फातिमा तो जहरा दा बेटा। अल्लाह मुश्किल वक्त दे अंदर मैं अपने नाना नू नहीं पुकार रहा, मैं अपने बाबा अली नू नहीं पुकार रहा, मैं अपनी अम्मा फातिमा तो जहरा नू नहीं पुकार रहा। अल्लाह ये मुश्किल आई है, मुश्किल वक्त दे अंदर उदो कया इलाही, अल्लाह मेरिया अर्जा फकत तेरे अगे ही है। कोई समझ आई के कोई ना? अल्लाह मेरिया अर्जा तेरे अगे ही है, ला इलाहा सिवा कया इलाही। अकीदा नोट करो, अल्लाह मैं हुसैन दा अकीदा है, तेरे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, तेरे अलावा कोई नफे नुकसान दा मालिक नहीं। और मेरे वीरो जनाबे हुसैन रजी अल्लाह तआला दा अकीदा भी पढ़ के देखो, उन्हां दा भी ये अकीदा है, वा इलाहकम इलाहम वाहिद ला इलाहा इल्ला वर रहमानुर रहीम। ये अकीदा बयान अहलुल हदीस कर रहे ने, जगह जगह कर रहे ने, दिन रात दे सफर अहलुल हदीस उलामा करके रब दी तौहीद दा पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे ने, पैगंबर कायनात अली सलाम दी रिसालत दा पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे ने। और अल्लाह दे फज़ल और रहमत दे नाल जब तक असी जिंदा रहांगे, जब तक अहले हदीस दा बच्चा बच्चा कायनात दे अंदर जिंदा है, और बेदार हो जाओ होशियार हो जाओ, जब तक कायनात दे अंदर अहलुल हदीस उलामा जिंदा ने, जब तक कायनात दे अंदर अहले हदीस दा बच्चा बच्चा जिंदा है, रब दी तौहीद दा भी परचम बुलंद करदा रहेगा, पैगंबर कायनात दी खत्मे नबुव्वत दा परचम बुलंद करदा रहेगा, अजमत सहाबा दे गीत गांदा ही रहेगा। असी इंशाअल्लाह ओही पैगाम देना चाहते हैं जेड़ा खालिसतन पैगाम है नबी पाक अली सलाम दे सीना पाक ते अल्लाह ने उतारे है, और आप अली सलाम ने सहाबा तक पहुँचाया है, सहाबा ने आग भी तरतीब साढ़े तक पैगाम पहुँचे है। असी डंडी नहीं मारांगे, ना डंडी मारन देंगे, असी कुरान बयान करांगे, पैगंबर का फरमान बयान करांगे, और जगह जगह ऐलान करांगे। और लोगों अगर कामयाबियाँ चाहते हो, कामरानी चाहते हो, एक रब नो इला मन लो, एक रब नो मुश्किल कुशा मन लो। अल्लाह अकबर कबीरा। दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, मछली ले गई बिच समंदर, यूनस मछली पेट दे अंदर, याद किया अल्लाह नो उसने, यूनस सत अंधेरे अंदर, याद किया अल्लाह नो उसने, यूनस सत अंधेरे अंदर, ओ किवें यार दी जान बचाई अल्लाह ने, कि
वे यार दी जान बचाई अल्लाह ने सारी कायनात बनाई अल्लाह ने दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने सारी कायनात बनाई अल्लाह ने गल नमरूद दे दिल विच आई बहुत ज्यादा आगे मचाई इब्राहिम नू डोली बैठा के डोली अग दे विच सटवाई इब्राहिम नू डोली बैठा के डोली अग दे विच सटवाई ओ किवे अग गुल जार बनाई अल्लाह ने किवें अग गुलजार बनाई अल्लाह ने सारी कायनात बनाई अल्लाह ने दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने सारी कायनात बनाई अल्लाह ने जो पैगंबरे कायनात अली सलाम दी दावत अज अहलुल हदीस दावत बयान कर रहे हैं आखिरी हदीस सुनो तो मेरा सलाम बुखारी शरीफ दी रवायत है पैगंबरे कायनात दा एक परवाना आया एक अराबी आया सोने पैगंबर अली सलाम दी दरे दौलत आके आंदा सोने मैनू ऐसा अमल दसो जेड़ा अमल मैं करा तो सीधा रब दी जन्नत चला जावा किधर चला जावा रब दी जन्नत च मूड है जानू मूड है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह असी अल्लाह दी तौहीद अंदर भी डंडी नहीं मारन वाले पैगंबर सलाम दी रिसालत अंदर भी डंडी नहीं मारन वाले ओ अल्लाह दे फज़ल रहमत दे नाल वक्त करीब है असी सोने पैगंबर दी विफाकत अंदर रब दी जन्नत जाना है इंशाअल्लाह जाना है आने वाला सवाल करदा है सोने ऐसा अमल दसो कि मैं रब दी जन्नत चला जावा मेरे पैगंबर सलाम ने चार बातें बयान कीतियां ने सुन लो ते आन दे नाल आका फरमांदे ने अनत अबुदल्ला वला तुशरिको बिही शैया आने वाले पहले नंबर दे इबादत रब दी करनी है रब नाल किसे नू शरीक नहीं ठहराना आगे मेरे पाक नबी अली सलाम ने फरमाया वतुकीम सला पज वक्त दी नमाज पाबंदी नाल पढ़नी है तीसरे नंबर दे वतुअतिज़्ज़का जकात अदा करनी है चौथे नंबर दे मेरे आका फरमांदे ने वतसूम रमज़ान आने वाले रमजान दे रोजे रखने ने ऐ रमजान आने वाला चंद दिन बाकी है रमजान दे रोजे रखने ने हुण ये जड़ा अराबी ना अराबी इन्हें सोने पैगंबर अली सलाम को बातां सुनियां ते वापस अपने इलाके लौटन लगे है ते जांदियां जांदियां एक जुमला बयान करदा है ओ अहले हदीसो तुहानू अहले हदीस होना मुबारक होए ये अराबी जुमला बयान करदा है सोनिया जो तुसी फरमा दिता है मिन वन इन्हां चीज़ां ते मैं अमल करांगा सोनिया ना मैं वादा करना है ते ना मैं बोलो घाटा ना मैं वादा करांगा ना मैं घाटा करांगा मेरे पैगंबर अली सलाम ने जिदे जुमला सुनिया ना कि ये अराबी कह रहे सुनिया जो तुसी फरमा दिता है ना मैं वादा करना है ना मैं घाटा करना है आमीना दे लाल अली सलाम ने उस मौका ते फरमाया मेरे सहाबा मन अहब्बा अय्यन ज़ोरा इला रजुली मिन अहलिल जन्ना फलियन ज़ोर इला हादा ऐ मेरे सहाबा अगर कोई बंदा इस बात नु पसंद करदा है कि मैं अल्लाह दी जमीन ते चलदा फिरदा जन्नती वेख लवां रब दी जमीन ते अल्लाह दी जमीन ते चलदा फिरदा जन्नती वेख लवां आका फरमांदे ने ओ ए अराबी नू वेख लो जिस अराबी दा ए अकीदा दीन अंदर ना कमी जे अदे दीन अंदर ना ज़ियाती ए दावा किसदा है पूरी दुनिया अंदर ये मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया अंदर सवाए अहले हदीस तो ये कोई गल कर ही नहीं सकता अहले हदीस का यह दावा ते अकीदा है लोगो दीन मुकम्मल हो गया है दीन अंदर ना ज़ियाती हो सकती है ना कमी हो सकती है ये अगर पैगाम ये अगर दावत दे रहे हैं तो अहलुल हदीस दे रहे हैं जे अराबी ये जुमला कह के अल्लाह की जन्नत च जा सकता है तो वहाबी भी इंशाला रब की जन्नत ही जाए जिंदी जिंदी
ये दावत है। लोगों दीन दे अंदर नजे आती है, दीन दे अंदर नजे आती ते ना कमी है। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फिर मेरी गल मुक गई। सब दी अफजल आला ने मद कारण अहले ईमान हजरत यस्तानी शहीद रही मौला पढ़िया करते सन। सब ती अफजल आला ने मद कारण अहले ईमान एक कुरान मुहम्मद दूजा सरवर दोवा जवान जिस दे दोवें आहत आया उन्हें पाया सब बलाया इन्हें दोवां दा दामन फड़िया ते रहमत जड़िया लाया जिसने रोगरदानी की दी ते काम की ते मन मवानी ओ न पार सलामत गईया है ओ न पार सलामत गईया ते घर कोया विच पवानी ते आओ लोगो टिकट खरीदो मसलक अहले हदीस दावत अहले हदीस आओ लोगो टिकट खरीदो खड़ा जवाज मुहम्मदी फिर न कहना खबर न होई सुनो आवाज मुहम्मदी अल्लाह जब तक जिंदा रखे सानू कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला बनाए। और मेरे भाइयो ये अल्लाह के फजल रहमत दे नाल हजे मेरे मौजूदी इब्तदा है हजे वैसे मेरी दाढ़ भी गिली नहीं हुई अल्लाह के फजल नाल क्योंकि मेरे शेख मौजूद है इंशाल्लाह मुलाकात होंदियां रहनगियां। मैं तुहाडे शहर जनाह स्टेडियम मुहम्मदी मस्जिद का खतीब हाँ कई दोस्त उत्थे आंदे ने जुमा पढ़ते रहिंदे ने मुलाकात होंदियां रहनगियां। अल्लाह मेरा तुहाडा भला फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे तौहीद ते और अल्लाह आखिरी वक्त कलमा तैयबा जबान ते जारी फरमाए। मलक मनीर साहब जिन्होंने बड़ी प्यारी मजलस नु सजाया अल्लाह।